भाभी जी, ननद भौजाई को देखो हम लोग को, भूतिया। तो अभी हम लोग शाम के 5 बजे क्या कर रहे हैं, खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं। तो चलिए साथ मिलके बनाते हैं छोले चना। ब्लीच लगा के खाना बना रहे हैं हम लोग। लेट्स कुक टुगेदर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर में तेल। अब मैं यहाँ पे हींग डाल रही हूँ, और हींग डालने के बाद यहाँ पे मैं बहुत फटाफट से ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं तो मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी काम करना था। तो यहाँ पे मैंने प्याज की प्यूरी बना ली थी, मतलब वही मैंने डाल दी, और प्याज थोड़े से ब्राउन हो गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड की, और साथ ही साथ मैंने जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट भी डाल दिया था। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टमाटर को पीस के, सारी प्यूरी ही डाली है मैंने, क्योंकि वो काट के गलाने का टाइम नहीं था। और यहाँ पे अब मैं ये डाल रही हूँ छोले चना, पंजाबी छोले चना मसाला। घर पे नहीं था तो थोड़ा सा पैकेट वाला मंगवा के ऐड कर दिया था। और साथ ही में अब जो बेसिक मसाले होते हैं, कश्मीरी लाल चिली पाउडर, लाल मिर्चा, हल्दी तो पहले ही डाल दी थी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जो बेसिक मसाले यूज़ करते हैं सब्ज़ी में, वो सारे मसाले यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। क्योंकि अभी टाइम शाम के 6 बज गए हैं, और मेरे ससुराल से और मेरे मामा के घर से, गांव से सारे लोग आ रहे हैं, तो सबके लिए खाना बनाना था। भाभी एक साइड पे दूसरा मतलब दाल चावल की तैयारी कर रही थी, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ छोले बनाने की प्रिपरेशन, मतलब छोले बना रही हूँ प्रिपरेशन, क्या छोले ही बना रही हूँ। और एक साइड में भाभी का भी काम चालू था, वो क्लिप ऐड नहीं की है। अब यहाँ पे मैं हाई टू लो फ्लेम पे मसाला जो मैंने ऐड किया है, मतलब प्याज और टमाटर तो पहले ही गला लिए थे, पर मसाले को टाइम देना ज़रूरी है, कितनी भी जल्दी हो नहीं तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो वही मैं चला चला के जल्दी जल्दी से मसाले को पका रही हूँ। और यहाँ पर छोले डाल दिए हैं, वो क्लिप ऐड करना रह गया। तो यहाँ पे मेरे छोले अब मैंने धीमी आंच पे छोड़ दिए हैं, और यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट को कट कर रही हूँ, और ये क्लिप मैंने एकदम फास्ट फॉरवर्ड में रेडी कर दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारे पंजाबी छोले चने, ये है सेवई, ये दो चीज़ मैंने बनाई है, इसमें है दाल और चावल, ये भाभी ने बनाए हैं। और साथ ही साथ में नवरात्रे चल रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने कर ली है पूजा, खाना एकदम रेडी हो चुका है। और अब यहाँ पे हो, ये रात की क्लिप है, मतलब 9:30 बजे की। तो मतलब हमारी जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, उसके अगले दिन हम लोग ने गरबा का भी प्रोग्राम रख दिया था, एंड टाइम पे मन हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग सब लेडीज़ लोग मिलके गरबा खेल रहे हैं, तो एक नवरात्रि जैसा माहौल क्रिएट हो गया था यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये शॉर्ट ब्लॉग, बताना ज़रूर। अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा। आगे आपको बहुत सारे ब्लॉग देखने मिलेंगे, बट जिस तरीके का टाइम मिलेगा मैं वैसे अपलोड करूँगी, तुरंत तो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत काम है और बहुत सारे गेस्ट हैं, ऊपर से 2 बच्चे। तो मैं अपने तरीके से, मतलब जब जब मैनेज होगा, मैं सारे वीडियो अपलोड करती रहूँगी। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। So keep watching and enjoy my video.
up my appetite. Don't leave me high and dry. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly.